आपका एजेंसी के अंदर दो डिवीजनों में काम चल रहा है, एक नवाबसाहब कुंटा डिवीजन है और एक जानुमा डिवीजन। दोनों जगह भी बॉक्सेंस का काम चल रहा है। नवाबसाहब कुंटा डिवीजन के अंदर होशनगर इलाके के अंदर 52 लाख रुपीज की लागत से एक बॉक्सेंस बनाया जा रहा है। उसका काम चालू हुआ था, उस काम के सिलसिले में मैं इंस्पेक्शन करने आया था। उसके बाद नवाबसाहब कुंटा डिवीजन में आया, यहाँ पर संजय गांधी नगर जो इलाका है उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक ऊपर नाला था। यहाँ हम पिछले इलेक्शनों के वक्त जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संगत इस इलाके का दौरा कर रहे थे, यहाँ की आवाम की ख्वाहिश थी साहब एक ज़माने का बहुत पुराना ये ओपन नाला है, आप इस नाले को बॉक्स बैन करिए, हमारे को यहाँ पर हेल्थ अजार्ड हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रहे हैं, कंटिन्यू बदबू हो रही है नाले की। उस को लगते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक प्रपोजल डाला गया था संजय गांधी नगर के नाले के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर इस संजय गांधी नगर के अंदर जो नाला है इसके 6 करोड़ रुपये सेंक्शन, उसमें का एक बिट आप चालू हुआ है काम का, जो 2 करोड़ 90 लाख रुपये का काम है। उसके काम का भी इंस्पेक्शन किया गया है। आज इस इंस्पेक्शन में जहानुमा कॉरपोरेटर जना हुसैनी पाशा और हमारे नवाबसाहब कुंटा कॉरपोरेटर जना भन्नान साहब और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के नवाबसाहब कुंटा डिवीज़न और जहानुमा डिवीज़न के सुदूर मोहतमद और इब्तदाई सदर यहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन जायजा तकरीबन लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छी तरीके से चल रहा है, और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला इन दोनों बॉक्स बैनरों का इनॉग्रेशन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से किया जाएगा। इसके अलावा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप तमाम जाकर देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज यही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज गली गली हर महल्ले के अंदर सीसी रोड्स का काम हो रहा है, वाटर पाइपलाइंस का काम हो रहा है, एसडब्ल्यू ड्रेन्स का काम हो रहा है, एनपी2 पाइपलाइन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केबल का काम हो रहा है। इतना डेवलपमेंट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को होना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन हत्तर इम्कान कोशिश कर रही है कि आवाम को सहूलत पहुँचाए और उनके महलों में जो भी मसाइल हैं उस मसाइल को दूर करने की कोशिश मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन कर रही है। इसके अलावा जो भी मसाइल रहेंगे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक इंशाल्लाह ताला मैं मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन 24 घंटे हम इस इलाके में इस आवाम के साथ है, उनके जो भी मसाइल रहेंगे उस मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप लोग। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश सुप्रीम फार्म लाइफ, जहां सुकून और खुशियां बाहें फैलाए आपके मुंतजिर नकद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें